Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Mrs. Chotarja from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, representing the subject Electrical Circuit Analysis SEM 3 as well as for Network Theory SEM 3 EC subject. Here we are discussing the topic Thevenin's Theorem. As previously we discussed the superposition theorem and we also discussed some numerical based on it. Now we are going to discuss the Thevenin's Theorem. So what are the conditions or what are the main steps to be required for solution of this any network? So for this case or Thevenin's Theorem, mainly network should be linear network with active source or containing any active sources in the network. So at that time we can solve the network. How? उसके लिए कुछ steps है जो कि आपको ऐसे थ्योरम पूछने के लिए कोई नॉर्मली इसके डेफिनेशन ऐसे नहीं है जैसे कि सुपरपोजिशन थ्योरम में थी, लेकिन अगर हम उसके स्टेप्स बना लें या फिर उसकी डेफिनेशन को हम ब्रेक करके उसके पूरे स्टेप्स बता दें कि भाई हाउ टू सॉल्व एनी नेटवर्क यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम, तो वो कब सॉल्व किया जाता है या फिर उसे कब अप्लाई कर सकते हैं, तो थेवेनिन्स थ्योरम के लिए एप्लीकेशन या फिर वो अप्लाई कब करते हैं, तो उसका मेन फंडामेंटल है कि जो भी लीनियर नेटवर्क है एक्टिव सोर्स है उसके अंदर, तो उसके अंदर लोड को आप रिमूव कर देते हैं और देन आफ्टर जो भी आपका वोल्टेज सोर्स है उसके अकॉर्डिंगली हम थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड करते हैं एज वेल एज थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस फाइंड करते हैं और उसके हिसाब से इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थेवेनिन ऑब्टेन करते हैं एंड यूजिंग दिस थेवेनिन थ्योरम वी कैन फाइंड द लोड करंट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट नेटवर्क यूजिंग दिस थ्योरम. क्लियर? तो आपको ऐसे ये जो मैंने डेफिनेशन ऐसे वर्ड में बताई तो वो आपको समझ में थोड़ी नहीं आएगी, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिखा है आपको. 3 मार्क के लिए जीटीयू एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्टेप्स टू फाइंड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट और सॉल्विंग एनी नेटवर्क यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम व्हिच स्टेप्स आर इंक्लूडेड. तो ये 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, साथ में ही आपको ऐसे सेपरेटली सिंगल 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई एक्सप्लेन थेवेनिन्स थ्योरम एंड फाइंड द सॉल्यूशन फॉर गिवन नेटवर्क. तो उस हिसाब से यहाँ पर मैंने आपको स्टेप्स बताए, तो उसमें क्या है कि भाई सबसे पहले आपको कोई नेटवर्क देते हैं तो उसके अंदर लोड और नेटवर्क को सेपरेट करो, देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप है जो कि है कि रिमूव द लोड. ओके, नेक्स्ट वन इज मार्क द टर्मिनल्स वेयर वी कैन वी रिमूव द लोड एंड मार्क द जगह ए बी और कोई भी आप नाम दे सकते हो एक्स वाई जेड. ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेजेस एज वेल एज शॉर्ट सर्किट करंट, क्योंकि आपको शॉर्ट सर्किट करंट की जरूरत सब केस में नहीं होगी लेकिन जिस केस में होगी उस टाइम पे आपको ये फाइंड करना जरूरी बन जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट वन इज और फिफ्थ पॉइंट अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम सॉल्यूशन टेक्निक इज फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस. ओके, और यहाँ पे इंपेडेंस के फॉर्म में भी रह सकता है और रेजिस्टेंस के टर्म्स में भी हम बता सकते हैं, पर वो कैसे फाइंड करना है कि आपका जो लोड रिमूव किया है टर्मिनल ए बी उसे आपने जो नाम दिया है उस साइड से सर्किट को ऑब्जर्व करना है. Then after find the Thevenin's equivalent impedance, जो कि उसका equation क्या है VTH upon ISC. उस time पे आपको क्या करना है कि जितने आपके network के अंदर जितने भी sources हैं, उसमें voltage source है तो short circuit हो जाएंगे और current source है तो open circuit, जो कि हमने previous case में भी यही चीज की थी. तो यहाँ पे equivalent impedance for Thevenin's जब हम find करते हैं तो आपको क्या याद रखना है, सारे sources को remove कर देना है. कैसे? Voltage source है तो short circuit and current source है तो open circuit. Okay, then after replace the network with VTH in series with the impedance ZTH, जो कि Thevenin equivalent impedance है. Then after next step, जो कि आपका next step रहेगा कि connect the load. Okay, और उसके बाद आपको जो load को connect कर दिया, Thevenin equivalent resistance को connect कर दिया और Thevenin equivalent voltage को connect कर दिया, तो उसके हिसाब से जो भी एक आपकी network या फिर circuit बनती है, उसके हिसाब से आपका load current find करना है. तो थेवेनिन थ्योरम आपको कहाँ पे अप्लाई होगा कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है उसमें आपको लोड करंट फाइंड करना है और आपको बहुत कॉम्प्लिकेशन देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि भाई मैं इसे कैसे सॉल्व करूं, तो उस टाइम पे आपको थेवेनिन थ्योरम यूज करना है और उसके लिए कंडीशंस क्या रहेगी, ये जो मैंने सारे स्टेप बताए वही सारे आपको फॉलो करने. अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्टेप्स में शायद आपको कुछ समझ में कम आएगा या फिर ऐसा लगेगा कि सर ये स्टेप्स तो हमने ऐसे भी देखे हैं या पढ़े हैं कहीं ना कहीं पे, बट उसे कैसे अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपको बताया कि भाई एक डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग हम जो भी एक एक स्टेप वाइज करते जाएंगे तो
आपके दिमाग के अंदर पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा कि हाँ मुझे इस स्टेप के बाद ये करना है क्यों, या फिर कोई स्टेप यहाँ पे क्यों है, तो उसका रोल क्या है हर एक स्टेप का, तो वो करने से हमें क्या मिलेगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे आपको नॉर्मली जो डेटा न्यूमेरिकल का है कि फाइंड द करंट थ्रू द 30 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि 30 ओम लोड है जो आपका, वो आपका लोड बनेगा, या फिर 30 ओम रेजिस्टेंस है वो आपका लोड बनेगा। क्लियर? चूंकि आप नेटवर्क को ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कितने वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ पे 150 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है, एक है यहाँ पे 50 वोल्ट का, और 30 एम्पीयर का करंट सोर्स है, और रेजिस्टेंस के लिए 15 16 एंड 40 एंड 30, जो कि यहाँ पे 30 ओम का रेजिस्टेंस है वो आपका लोड बनता है। सो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या था कि डिवाइड द नेटवर्क इनटू टू पार्ट्स एज ए नेटवर्क एंड इट्स लोड। तो लोड को आपने सेपरेट कर दिया, जैसे कि एक पार्ट यहाँ से एक ये है आपका लोड। क्लियर? ओके, ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ, लोड को आपने पहले सेपरेट किया। ओके, देन आफ्टर रिमूव दैट लोड, मतलब कि आपने लोड को रिमूव कर दिया नेटवर्क में से। ठीक है? ओके, फिर आपके जो भी टर्मिनल है उसे आप टर्मिनल ए बी नाम दे दो, क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप जो कि मैंने यहाँ पे वही बताया कि भाई आपने लोड पहले रिमूव कर दिया और उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने जो भी आपके टर्मिनल से उसे हमने नाम दे दिया ए बी। क्लियर? और उसके यहाँ जो भी एक आपका वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा वो क्या होगा VTH। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो कि स्टेप 4 है वो क्या है कि फाइंड आउट दैट VTH थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जो भी नेटवर्क है उसे आप ऑब्जर्व करोगे। बट कैसे कि भाई आप यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे कि यहाँ पे 150 वोल्ट का एक करंट सोर्स है और यहाँ पे बाकी रेजिस्टेंस आपको दिए, तो पता है कि यहाँ पे हम नॉर्मली दो मैच देख रहे हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे मैच एनालिसिस हमें तय करेंगे, और वो भी कैसे, यहाँ पे एक लूप करंट I1 है एज वेल एज सेकंड लूप करंट I2 है, बट यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे दोनों लूप के बीच में एक करंट सोर्स है। तो करंट सोर्स आता है तो वो उस टाइम के लिए आप क्या करते हैं सुपर मैच फंडामेंटल, जो कि हमारे प्रीवियस सेशन में हमने सुपर मैच के फंडामेंटल में ये चीज बताई। ठीक है? तो अब उस टाइम में यहाँ पे आपको देखने में पता चल जाए कि यहाँ पे सुपर मैच बन गया। सुपर मैच की वैल्यू क्या बनती है कि भाई I2 माइनस I1, क्योंकि यहाँ पे I2 लूप करंट है वो पॉजिटिव रहेगा बट I1 उसको ओपोज करेगा, तो I1 नेगेटिव होगा, तो I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 30, क्योंकि आपका फर्स्ट इक्वेशन बना। ओके, और सुपर मैच का फंडामेंटल क्या कहता है कि वही जो आपने करंट सोर्स है उसे आप रिमूव कर देते हो तो उसके हिसाब से जो इक्विवेलेंट नेटवर्क बनता है उसका इक्वेशन एक बना होगा। ठीक है? तो यहाँ पे सुपर मैच के लिए जो हम इक्वेशन बनाते हैं तो वो क्या बनेगा, I1 यहाँ पे ये 15 ओम रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट है I1। ओके, देन आफ्टर ये तो हमने रिमूव कर दिया यहाँ से ओपन करके। ओके, तो सुपर मैच के हिसाब से अभी हम जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 60 ओम रेजिस्टेंस, लेकिन उसका करंट है I2, तो 60 I2 आगे गए 40 ओम और उसका करंट है I2, तो 40 I2 इज इक्वल टू 150। क्लियर? तो ये आपका दूसरा इक्वेशन बना। तो इक्वेशन 1 जो कि है I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 30, जो कि आपके करंट सोर्स का इक्वेशन था, और दूसरा सुपर मैच के लिए इक्वेशन क्या बना 15 I1 प्लस 100 60 प्लस 40 100, सो 100 I2 इज इक्वल टू 150, जो कि इक्वेशन 2 बना। क्लियर? तो इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, कैसे भी कर सकते हो, दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और आपको आंसर मिलेंगे I1 और I2, जो कि उसकी वैल्यू बनेगी नेगेटिव 10 एम्पीयर एंड 3 एम्पीयर। क्लियर? ओके, अब हमें फाइंड क्या करना था एक्चुअली VTH। आपको लगेगा कि सर हमने यहाँ पे करंट तो फाइंड कर दिया, इसका क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि VTH आपका कहाँ पे है इस लूप के अंदर। क्लियर? यहाँ पे आपका वोल्टेज सोर्स जो भी या फिर वोल्टेज सोर्स के साथ आपको दिखेगा वो रहेगा VTH। तो VTH का इक्वेशन क्या बनेगा S1 के लिए, यहाँ पे कोई करंट है, हाँ एक करंट कौन सा, क्योंकि यहाँ पे और कोई करंट सोर्स नहीं है, दूसरे करंट की इफेक्ट ही रहेगी, तो वो करंट कौन सा होगा I2। क्लियर? क्योंकि यहाँ से फ्लो हो रहा है तो वो क्या बनेगा I2 और रेजिस्टेंस है 40, तो उसका वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ 40 I2। ओके, प्लस साथ में यहाँ पे 50 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स भी यहाँ पे इंक्लूडेड, तो आपका VTH का इक्वेशन क्या बनेगा 40 I2 माइनस 50 इज इक्वल टू VTH। ठीक है? क्योंकि हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज ही फाइंड करना है जो कि इस लूप के लिए। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज भी पता चलेगी कि VTH इज इक्वल टू 40 I2 माइनस 50 इज इक्वल टू 40 इंटू I2 की वैल्यू क्या थी 3, तो मतलब कि 120 माइनस 50 इज इक्वल टू 70 वोल्ट, जो कि आपका VTH। क्लियर? तो
तो हमारा एक पार्ट यहाँ पे पार्ट फोर है, यहाँ तक का हमने कैलकुलेशन कर दिया। अब दूसरा जो कि नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, फाइंड आउट दैट इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस और रेजिस्टेंस फ्रॉम सीन फ्रॉम नेटवर्क फ्रॉम द टर्म्स या फिर टर्मिनल ए बी। तो उसके लिए हम पहले नेटवर्क फिक्स है भाई, तो नेटवर्क हम फॉर्म करते हैं, क्लियर, ओके। तो और उसी के साथ ही आपको यहाँ पे ये भी बताया कि वोल्टेज सोर्सेज है और करंट सोर्सेज को हम कैसे रिप्लेस करते हैं। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स को ओपन करेंगे। तो इसी नेटवर्क को आप पहले ऑब्जर्व करो कि भाई हाँ मुझे क्या करना है, नेटवर्क को यहाँ से ऑब्जर्व करना है, ओके। देन आपके वोल्टेज सोर्स को मैं रिमूव कर दूंगा जैसे कि शॉर्ट करके, करंट सोर्स है तो उसे मैं ओपन सर्किट कर दूंगा और वोल्टेज सोर्स को यहाँ पे शॉर्ट। तो आपका नेटवर्क कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज भी ड्रॉ करके ही बताई कि नेटवर्क को हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं टर्म ए बी या फिर टर्मिनल ए बी के हिसाब से, वोल्टेज सोर्स का शॉर्ट हो गया, करंट सोर्स उसका ओपन और वोल्टेज सोर्स का फिर से शॉर्ट। तो यहाँ से आप सर्किट को देख सकते हो, आपको दिख रहा है 40 ओम का रेजिस्टेंस है, उसी के साथ ही पैरेलल में ये दो ब्रांचेस है, लेकिन यहाँ पे ये पैरेलल होती अगर यहाँ पे कोई और रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता, लेकिन यहाँ पे ओपन सर्किट है, मतलब ये पूरा सीरीज हो गया। तो 60+50 ये पूरा पार्ट सीरीज है, उसी के पैरेलल में ये 40 वाला पार्ट है, क्लियर, क्योंकि नेटवर्क यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जैसे कि एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, क्लियर। तो ZTH या फिर VTH जो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कितना मिला, 40 उसके पैरेलल में 60+50, मतलब कि यहाँ पे मैंने वो सेपरेटली भी बताया कि आपको समझने में थोड़ा इजी रहे। तो 60+50 मतलब कि 75, 40 और 75 को आप पैरेलल में सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 26.09 जो कि यहाँ से ZTH होगा, क्लियर, सीन फ्रॉम थ्री टर्मिनल ए एंड बी, ओके। अब यहाँ पे आपने ZTH भी फाइंड कर लिया, अब क्या करना है नेक्स्ट है कि रिप्लेस दैट नेटवर्क विद VTH इन सीरीज विद ZTH या फिर RTH, यहाँ पे RTH भी लिख सकते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। तो अब क्या करोगे, टर्मिनल ए बी में एज इट इज रहने दो, VTH और ZTH को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कनेक्ट दी लोड, तो यहाँ पे लोड को आपने कनेक्ट किया, क्योंकि लोड आपका बंद क्या था, यहाँ डेटा में दिया है 30 ओम्स का जो कि हमने यहाँ पे रिप्लेस किया था, उसी को हमने उसके साथ सीरीज में ले लिया, जो टर्मिनल ए बी से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, क्लियर। तो आपका नेटवर्क कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा कि भाई आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट ZTH या फिर RTH, क्लियर, और ये आपका लोड है और ये है आपका VTH, क्लियर, कुछ ऐसा नेटवर्क हमने फॉर्म किया, ओके। नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट दैट लोड करंट I, किस इक्वेशन के कि भाई VTH अपॉन ZL, जो कि यहां पे ये सीरीज में तो दोनों का एडिशन ही रहेगा, तो इस हिसाब से आप V डिवाइड बाय R कितना या RTH या फिर तो कितना होगा RTH प्लस R या फिर ZTH प्लस ZL या फिर R, तो इस हिसाब से 25.09 प्लस 30 VTH आपका 70, तो 70 डिवाइड बाय 55.09 क्योंकि मैंने यहां पे वही चीज बताई, क्लियर, ओके। यहाँ पे सॉरी माफ करना, यहाँ पे 26.09 है, तो उस हिसाब से आपने IL जो कि लोड करंट है आपका फाइंड कर सकते हो, तो उसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1.25 एम्पियर। तो यहाँ पे जितने भी शेप थे उस स्टेप के हिसाब से मैंने पूरा न्यूमेरिकल आपको सोल्व करके बताया है, ताकि आपको कौन सा स्टेप कैसे अप्लाई करना है वो आपको समझ में आ जाए, क्लियर। अब इसके रिगार्डिंग भी न्यूमेरिकल का मैं नेक्स्ट सेशन भी आपको इसी सेशन इसके बाद मैं रख दूंगा कि आपको न्यूमेरिकल जो कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट और थेवेनिन थ्योरम के हिसाब से जो रहेंगे वो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत ना आए और इजी हो जाए, ठीक है। टिल देन अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।